हो जाएगा। उसमें वो 1/4 हो जाएगा, जैसे इसमें 1/8 हो रहा था। डी भी, डी ऑप्शन भी टेक्निकली शायद ऐसा ही करना था। इफ यू सी डी ऑप्शन हियर, इफ यू सी लेट्स से डी, डी वाले ऑप्शन में इट इज ए कन्वर्टिंग टू लेट्स से 2b, यहां भी ले लो ये a 0 और ये हो जाता a माइनस एक्स एंड 2x। दोनों को जैसे हम लोग इक्वेट करेंगे, क्या यहां से x का वैल्यू भाई ए वाई 3 आ जाएगा? मीन्स ये ए वाई 3 और ये बन जाएगा ए वाई 3 मोल्स, क्या भी ऐसा आएगा कि नहीं? 2a/3 2a/3 है ना, 2a/3 2a/3 बचेगा ना दोनों के मोल्स। अच्छा, दोनों के जो मोल्स हैं मेरे पास 2a/3 2a/3 बचे, तो चाहे तो मैं ये वाला फार्मूला यूज कर ले, क्या है भाई, t इक्वल टू लेट्स से t हाफ डिवाइडेड बाय log 2 इंटू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2a/3 है ना, टी इक्वल टू टी हाफ डिवाइड बाई लॉग 2 इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, और ये टी का जो वैल्यू है वो है 12 मिनट्स, यहां आ जाता है टी हाफ, लॉग 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.3 है, और क्या ये 0.3 माइनस 0.2 बन जाएगा? 0.47 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.17 डिवाइडेड बाय 0.3 कितना आ गया, नियरली 0.5, 0.53 है ना, सो ये आ गया नियरली 6.8 आ रहा है। मतलब क्लोज फाइनल आंसर क्या, क्या बात कर रहा है सर, 12 को 0.3 से करेंगे तो 40 आता है, 14 तो 0.17 तो 68 हाँ, हाफ का वैल्यू 12 से ज्यादा आ रहा होगा ना इसका मतलब। हां क्या सर, t हाफ का जो वैल्यू है वो 12 मिनट से ज्यादा ही आएगा ना सर, आएगा हां, तो यहां t हाफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, नियरली कुछ 21-22 आएगा ना, कितना आ रहा है 21.something क्या बच्चों, ये क्वेश्चन समझ लिया तुम लोगों ने? लिख के हो गया है ये क्वेश्चन? तो ये जो लास्ट वन का आंसर था वो होना चाहिए 21.2 मिनट्स। क्या ये लिख के हो गया है? हाँ बच्चों, क्या लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ, थोड़े से अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए जाए एक दो। क्या स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे सही इंटीजर टाइप आंसर बताओ। तो
क्या तुमने वो सब भी पढ़ा होगा ना, सूडो यूनिमोलिकुलर सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस है सर, हमने कुछ ऐसा नाम सुना था मतलब सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की नहीं, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, हाँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर नाम तो सर, जिसमें एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा दिया होता है ना, सर, तो उसको नियरली कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ही रह जाता है ना। यस हाँ। क्या बच्चों कुछ आ पा रहा है यहाँ, एक मिनट। Yes, नमन तुम्हारा आंसर सही है, नमन शेट्टी, ये बच्चा कर लेता है सर आजकल क्वेश्चंस। और भी बच्चे ट्राई करो भाई क्वेश्चन को करने का।
हाँ मतलब सीधे सीधे बस एन फैक्टर फाइंड आउट कर लो उसका, तो एन फैक्टर तो दिया हुआ है, हम लोग कर भी लेंगे ऐसे। हम लोग को रेट कांस्टेंट पता करना है इन द यूनिट ऑफ लेट्स से पर मिनट, स्टार्टिंग में कितना रिएजेंट कंज्यूम हुआ उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और 10 मिनट्स के बाद कितना रिएजेंट कंज्यूम हुआ उसका वॉल्यूम दिया हुआ। क्या मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं भाई, क्या है अप्रोच? तो यहां कोई एक रिएक्शन है, इट इज ए एन प्लस इज कन्वर्टिंग टू, योजित नहीं बेटा उसका परफेक्ट इंटीजर आएगा आंसर। ओके सर। सो यहां ये चला जा रहा है एन प्लस फोर प्लस, ये कोई रिएक्शन है और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो सपोज के है, और इस रेट कांस्टेंट के का ही हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है एट टी इक्वल टू जीरो। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है और ये जीरो है, और सपोज यू कैन इमेजिन एट टी इक्वल टू 10 मिनट्स अगर ये हो जाता ए माइनस एक्स तो ये बन जाएगा एक्स, है ना? क्या इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसका जो रेट कांस्टेंट के होना चाहिए इट शुड बी 2.303। सर लोन का ही वैल्यू दिया है तो मैं 2.303 से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या ये आ जाएगा 1/t? 1/t भी कितना है 1/12, है ना? 1/12 मिनट्स एंड इट इज लोन ऑफ 10 मिनट्स दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है यहाँ 1/10 और ये हो जाता लोन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। यही करना है हम लोगों को बस, तो मुझे समहाउ ए एंड ए माइनस एक्स को रिलेट करना पड़ेगा। नाउ इफ यू सी द यस ध्रुव, तुम्हारा आंसर सही है ध्रुव लद्दा। क्या यहाँ मेरे पास जो एन फैक्टर है इसका ए एन प्लस का वो एन फैक्टर 2 है, और क्या इसका एन फैक्टर 5 है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसके लिए एन प्लस 4 को एन माइनस 1 बनने के लिए। तो स्टार्टिंग का जो वॉल्यूम कंज्यूम्ड है रिएजेंट का, डू यू थिंक इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट इनिशियली? तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ कि ये जो 30 मिलीलीटर है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एंड 45 मिलीलीटर इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स। रिएजेंट का वॉल्यूम है ना, जो रिएजेंट का वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस प्रेजेंट। यस सुनो, यस सर। और फिर चाहे तो इसको नो डिवाइड कर दें, जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग 30 डिवाइडेड बाय 45
डू यू थिंक ये हो जाता 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 2x, ये मुझे थोड़ा दूसरे कलर से लिखना चाहिए, सो यहां मेरे पास ये हो जाता लेट्स से 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 2x एंड लेट्स से 5x, तो यहां ये 2 आ जाएगा और यहां ये 3, सो 2 बाई 3 शुड बी इक्वल टू 2 बाई 3 शुड बी इक्वल टू 2a, यहां आ जाएगा ये 2a एंड ये कितना बन जाएगा प्लस 3x. यस, हम लोग चाहते हैं तो यहां x और a में रिलेशन फाइंड आउट कर लें, कितना आ जाएगा x इक्वल टू a बाई 3, x इक्वल टू यहां से आ गया ए बाई 3 और फिर हम लोग यहां पुट कर दें इसको, तो ये बन जाता 1 बाई 10 एंड लोन a एंड ये आ गया a बाई 3, तो यहां से k का वैल्यू आ जाता 1 बाई 10 एंड लोन ऑफ 3 बाई 2, लोन 3 बाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है भैया यहां 0.4 है ना, आंसर 4 होगा, कितना आ जाएगा यहां 4/100 आ जाएगा पर मिनट, ऑफ इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली आंसर मेरे पास 4 ही आ जाएगा, इवेंचुअली मेरे पास यहाँ जो आंसर है वो आ जाएगा 4, क्या समझ में आ रहा है? यस सर, लिख के हो गया है ये, हम बच्चों क्या लिख लिया है ऐसा, एक मिनट से मैं एक क्वेश्चन और क्या है ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज 4 आ यू नो गिवन रिएक्शन, it is x a plus y v equal to product, rate equal to some constant k, a raised to the power alpha and b raised to the power beta है, ना कोई भी एक मेरे पास reaction है x a plus y v equal to product और रेट इसका कुछ गिवन है, रेट के अलावा यू नो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा इज गिवन, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डेटा इज आल्सो गिवन, कुछ यहां गिवन है लेट्स से सपोज एक्सपेरिमेंट वन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है T1/3 एंड T5/9, इनके वैल्यूज यहां गिवन है, क्या क्या गिवन है, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, ये यहां 30 मिनट्स है और यहां ये 75 मिनट्स, दूसरे एक्सपेरिमेंट का डेटा गिवन है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट 2 किया कि ये कॉन्सेंट्रेशन 0.002 मोलर है, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, ये 7.5 मिनट्स है और ये 18.75 मिनट्स है,
find out alpha and beta. You have to find out, let's say, alpha and beta. क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्या लिखा हुआ है ये सब? Yes, sir. So, कोई एक रिएक्शन है XA plus YB, it give product. Rate of given reaction is given as K equal to A raised to the power alpha and let's say B raised to the power beta. Following, you know, experimental data is given. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर लिया है, बी का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.1 मोलर लिया है, तो टी 1/3 30 मिनट है एंड टी 5/9 75 मिनट्स है। एक्सपेरिमेंट टू में जब ये ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.002 मोलर है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, टी 1/3 7.5 मिनट है और टी 5/9 18.75 मिनट्स। सो यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा है। क्या क्वेश्चन की तुम लोगों को अप्रोच समझ में आ रहा है, कैसे करेंगे भाई? इंटीग्रेट करना। हाँ सर, इसमें कहीं कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब किस चीज को तुम लोग इंटीग्रेट कर रहे हो पहले ये बताओगे मुझे। सर नहीं, सर चार इक्वेशंस बनाते हो। एक तो तुम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो आइदर एक्सपेरिमेंट वन के लिए आइदर एक्सपेरिमेंट टू के लिए। इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो आइदर एक्सपेरिमेंट वन के लिए आइदर एक्सपेरिमेंट टू के लिए, है ना? क्योंकि चाहे वो एक्सपेरिमेंट वन है चाहे वो एक्सपेरिमेंट टू है, क्या टी 5/9 5/2 टाइम्स है टी 1/3 का? दोनों के दोनों ही एक्सपेरिमेंट में टी 5/9 5/2 टाइम्स है टी 1/3 का। तो यहां एक बार इक्वेशन लिख लो टी 5/9 के लिए, सो टी 5/9 n माइनस वन एंड k शुड बी इक्वल टू टी 5/9 मीन्स बचा है मेरे पास 4/9, तो ये आ जाता 9/4 a नोट रेस टू द पावर n माइनस वन, वन अपॉन a नोट रेस टू द पावर n माइनस वन। एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, लेट्स से टी 1/3 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन के शुड बी इक्वल टू भाई 2/3 बचेगा, तो ये आ जाता 3/2 ए नोट रेस टू द पावर एन माइनस वन एंड वन अपॉन ए नोट रेस टू द पावर एन माइनस वन।
और इससे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बस, है ना। जैसे इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, यहां मिल जाएगा मुझे टी फाइव बाई नाइन डिवाइडेड बाई टी वन बाई थ्री, क्या यहां मिलेगा नाइन बाई फोर रेस टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू रेस टू द पावर एन माइनस वन। फर्दर क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं टी फाइव बाई नाइन डिवाइडेड बाई टी वन बाई थ्री, ये कितना बच जाएगा थ्री बाई टू रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन। यस सर। और ये वाला जो वैल्यू है वो है भैया फाइव बाई टू, तो एन का वैल्यू कितना आ गया इसके लिए टू। यस। तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट डेटा समझने की कोशिश करूं, अगर मैं ये सिर्फ फर्स्ट डेटा समझने की कोशिश करूं तब भी इसका ऑर्डर टू आएगा, और अगर मैं ये सेकंड वाला डेटा भी समझने की कोशिश करूं तो क्या तब भी ऑर्डर टू ही आएगा। तो अगर मैं इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां भी मेरे पास ऑर्डर जो आ रहा है वो टू, और यहां भी जो मेरे पास ऑर्डर आ रहा है वो टू है, ऐसा करते हैं ना। ओवरऑल ऑर्डर लेट्स से आइदर एक्सपेरिमेंट वन के थ्रू देखें या हम लोग एक्सपेरिमेंट टू के थ्रू देखें वो टू आ जाएगा, है ना। क्या इतना पार्ट लिख लिया है भाई? अभी भी मुझे इंडिविजुअली अल्फा और बीटा का वैल्यू तो नहीं पता चला। हाँ सर। क्या क्वेश्चन का इतना पार्ट लिख के हुआ तुम्हारा? एक सेकंड। सर अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो फोर ही आता है सर, 30/7.52 है वो भी। तो सर मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो अलग अलग कॉन्फिगरेशन करें। फिर उस पे क्या हुआ होगा उससे, बट हुआ क्या तुम्हारा डिवाइड करते हैं सर? वो फिर सेकंड वाले में जो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल और फाइनल जो भी है वो डबल है ना सर, तो टू रेज़ टू अल्फा माइनस वन वो डिवाइड हो जाता है, फैक्टर आ जाता है। हाँ, तो कितना आया फिर? इक्वल टू फोर होता है, लेकिन उससे अल्फा थ्री आ रहा है, पता नहीं। नहीं नहीं, अल्फा थ्री थोड़ी आएगा, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अभी देख, क्या ये इतना वाला पार्ट लिख के हो गया तुम लोगों का? वही करेंगे जो तुमने किया है। हाँ सर। हाँ सर। आई होप इतना तुम लोग का लिख के हो गया था। फिर दूसरा एक्सप्रेशन समझ लेते हैं हम लोग। अब जो दोनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, जैसे ये बच्चा कर भी रहा था अभी, यहाँ दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग साइमल्टेनियसली यूज करते हैं यहाँ, तो भाई फॉर एनी लेट्स से nth ऑर्डर रिएक्शन, क्या कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं? टी एक्स वाई वाई शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए नॉट रेस टू द पावर एन माइनस वन। इन जनरल है ना, किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ होता है ऐसा कि नहीं? कोई भी टाइम हो, टी हाफ हो, टी वन बाई थ्री हो, टी फाइव बाई नाइन हो, कुछ भी हो। हाँ, सर। अच्छा, तो अगर देखोगे टी वन बाई थ्री भी वन फोर्थ हो गया है और टी फाइव बाई नाइन भी वन फोर्थ हो गया है जब इनके कॉन्सेंट्रेशन डबल किए गए हैं, है ना। जब इनके कॉन्सेंट्रेशन डबल किए गए हैं तो ये जो टी वन बाई थ्री या टी वन बाई फोर क्या हो गया है भाई यहाँ? वन बाई फोर्थ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ये वन बाई फोर्थ शुड बी इक्वल टू, यहां हो जाता जब कितना हो जा रहा था कॉन्सेंट्रेशन, जब डबल हो जा रहा था एन माइनस वन होना चाहिए सीधा सीधा बस। हाँ।
क्या अभी समझ में आ रहा है ऐसा? किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया है, ए को भी डबल किया है और बी को भी डबल किया है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया है तो टी 1/3 एंड टी 5/9 दोनों ही 1/4 हो गए। अच्छा यहां से n का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 3 यहां से n का वैल्यू 3 आ गया है, यहां से n का वैल्यू 3 आ रहा है। बट जब लोग इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट 1 और 2 देख रहे थे वहां से ऑर्डर का वैल्यू 2 आ रहा था। अब दिमाग लगाओ बहुत ही अच्छे से और मुझे अल्फा का वैल्यू एंड बीटा का वैल्यू दोनों बता दो तुम लोग। अच्छा अल्फा का वैल्यू एंड बीटा का वैल्यू दोनों बता दो तुम लोग मुझे। अच्छा थोड़ा हिंट ये है, जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों ही एक्सपेरिमेंट में वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से बहुत ज्यादा है। दोनों के दोनों केस में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ डबल ही है ज्यादा क्यों? अबे क्या बात कर रहा है 10 times है बेटा, सॉरी 100 times। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन ए का बेटा 100 times है ना। तो 100 times है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जैसी मैं एक्सपेरिमेंट वन करूंगा थ्रू आउट नियरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अब जल्दी से मुझे अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू बता दो तुम लोग। अल्फा और बीटा का वैल्यू तुम लोग मुझे बता दो भाई। नहीं नमन, देखो अल्फा का वैल्यू शायद 2 और बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, आइदर मैं एक्सपेरिमेंट 1 देखूं आइदर मैं एक्सपेरिमेंट 2 देखूं, है ना, आइदर मैं एक्सपेरिमेंट 1 देखूं या मैं एक्सपेरिमेंट 2 देखूं, अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन ये बहुत ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं के डैश टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर अल्फा ओनली। भाई अगर बीटा का बी का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो क्या मैं उसको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं लिख सकते के डैश ए रेस टू द पावर अल्फा? तो मुझे क्या एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर सिर्फ अल्फा दिखेगा? हाँ सर। इसलिए मुझे ऑर्डर सिर्फ 2 दिखाई दे रहा था, है ना सर? तो मुझे बीटा 0 होना चाहिए। बीटा 0 क्यों होगा? जैसे मैं 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियसली देख रहा हूँ, अगर मैं 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियसली देख रहा हूँ जिससे मुझे बीटा का वैल्यू भी आ जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 भी तो आ रहा है वहां। हाँ सर समझ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 भी तो आ रहा है। अल्फा क्यों 3 होगा भाई? जब मैं इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा आइदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हुआ है तो क्या देखो मैं जब रेट लिखूंगा तो कुछ ऐसा ही लिखूंगा कि रेट में ए रेस टू द पावर अल्फा एंड लेट्स से बी रेस टू द पावर बीटा तो क्या ये के तो ये जो रेट होगा क्या वो 2 रेस टू द पावर अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ही बढ़ना चाहिए था? अगर दोनों ही डबल हुआ है, ए भी डबल हुआ है बी भी डबल हुआ है लेट्स से किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, तो बेटा क्या उतने टाइम्स बढ़ेगा उसका रेट के नहीं? तो मेरे पास ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो यहाँ ये एन है ना,
कि अगर मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैंने डबल कर दिया है तो मेरे पास ये जो टी एक्स वाई वाई है वो 1/4 हो गया है ना। हाँ, क्या अभी समझ में आ रहा थोड़ा सा? बीटा को कॉन्स्टेंट क्यों किया आपने, मतलब बी को? बेटा किसी भी एक्सपेरिमेंट वन या एक्सपेरिमेंट टू में बीटा को कांस्टेंट नहीं किया, बी को कांस्टेंट किया। बी को कांस्टेंट इसलिए किया था कि अगर मैं ए में से, सपोज ए अगर आधा कंज्यूम भी हो जाए, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में ए अगर आधा कंज्यूम भी हो जाए तो क्या बी अप्रोक्सीमेटली सेम बचेगा? तुम लोग ऐसा बोल सकते हैं प्रैक्टिकली बी का कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट? हाँ? तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ऑर्डर इस रिएक्शन का 3 है, बट इट इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ सूडो बाइमोलिकुलर या सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या अभी थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है? Yes, तो ये सूडो बाइमोलिकुलर या सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो कुछ भाई ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं काइनेटिक्स में ना। लिख के हो गया है ये क्वेश्चन? बच्चों क्या समझ के हो गया है क्वेश्चन? लिख भी लिया है? आई होप शायद लिख भी लिया तुम लोगों ने, है ना? ना? चलो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, उस क्वेश्चन को तुम लोग मुझे करके दिखाओ भाई। अभी ये जो क्वेश्चन है तुम लोग के स्क्रीन पे, वो रहा ये क्वेश्चन। क्या बड़े स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया? तो फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें K1 का वैल्यू गिवन है और K2 का वैल्यू भी गिवन है, द रिएक्शन इज स्टार्टेड विद ए ओनली, हाफ लाइफ ऑफ सच रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ बी इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? इस रिएक्शन का क्या हाफ लाइफ टाइम है वो तुम लोगों को बताना है मुझे। स्टार्टिंग में सिर्फ ए था, बी नहीं था। तुम लोग चाहो तो ए और बी का एक जनरल फार्मूला पहले रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिराइव कर सकते हो, है ना? बी के लिए चाहो तो इक्वेशन लिख लो, है ना? डीवी वाई डी टी, क्या ये हो जाएगा भी K1A - K2B? हाँ, किसी भी इंस्टेंट पे ना, किसी भी इंस्टेंट पे ये जो ए है, क्या उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये A0 - B है, किसी भी इंस्टेंट पे, है ना?
अच्छा तो ये फर्दर क्या ऐसा हो सकता है, के वन ए नॉट एंड इट इज माइनस ऑफ के वन प्लस के टू टाइम्स ऑफ बी। और फर्दर यस इसको लिख सकते थे डी बी ये आ जाता के वन ए नॉट माइनस के वन प्लस के टू टाइम्स ऑफ बी एंड डी टी, और इसको इंटीग्रेट करना है टेक्निकली, जीरो से लेकर टी हाफ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्टार्टिंग में जीरो था, इक्विलिब्रियम पे कितना बन जाएगा भाई, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या वो 2/3 आएगा, के वन डिवाइड बाई के टू। अच्छा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम ये इतना आ गया है, तो क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि बी एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई यू नो ए नॉट माइनस बी एट इक्विलिब्रियम शुड बी इक्वल टू 2/3। हाँ कितना आ जाएगा यहाँ बी एट इक्विलिब्रियम ए नॉट के टर्म्स में, 0.4 मतलब 4/10 ऐसा 2/5 2/5 में 0.2 2/5 ठीक है, मतलब सो इट इज 2/5 टाइम्स ऑफ ए नॉट, मीन्स यहां मुझे बस ये 2/5 टाइम्स ऑफ ए नॉट तक इंटीग्रेट करना है, यही हो ना क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा, जहां जिससे मुझे के वन के टू उन सबके वैल्यूज भी पता है, और यहां से इस इक्वेशन से सीधे सीधे मुझे टी हाफ का वैल्यू मिल जाएगा। चलो जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर दो, टी हाफ का वैल्यू भी बता दो मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, और यहां से फिर मुझे टी हाफ का वैल्यू भी बता दो। तुम लोग इंटीग्रेशन तुम लोग को आता है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो।
हाँ क्या बच्चे क्वेश्चन ट्राई हो रहा है तुम लोगों का? ये उसका का नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेट करते तो मेरे पास यहां आ जाता माइनस ऑफ के वन एंड के टू डिनोमिनेटर में, एंड ही आ जाता इसका फिर लोन. सो इट इज लोन ऑफ, ये मोड होता है ना टेक्निकली, नहीं मॉड्यूलस, तो इट इज के वन टाइम्स ऑफ ए नॉट माइनस के वन प्लस के टू टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा टू वाई फाइव टाइम्स ऑफ ए नॉट. सो लोन जीरो बन जाता है. हाँ सर लोन जीरो होता है. कहीं लोन जीरो हो जा रहा है वो, तो 0.05 आ रहा है तो 0.02 बन जाएगा वो भी. लोन जीरो तो फिर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना. सर फिर हम लोग a नॉट बाय 5 तक इंटीग्रेट करेंगे ना, क्योंकि हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ बेस. हां सर a नॉट क्या हाफ ऑफ b इक्विलिब्रियम, हाफ ऑफ b इक्विलिब्रियम सर a नॉट बाय. नहीं नहीं ये बी बी कितना बन रहा था हम लोग का, 2/5 बन रहा था ना. हाँ सर लेकिन हाफ तो उसका आधा होगा. अच्छा बी 2/5, ठीक है टोटल 2/5 था ना, तो हम लोग को सिर्फ 1/5 तक ही जाना है. 1/5 हाँ सर, तो हम लोगों को 1/5 तक ही जाना था, तो ये 1/5 अब करो है ना. एंड यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए मेरे पास सिर्फ के वन ए नॉट एंड शुड बी इक्वल टू, यहाँ मेरे पास बस सीधा सीधा बच गया टी हाफ. यही है बट इस टाइप के एक्सप्रेशन में तो आए गए. हाँ सर क्या बच जा रहा है ये ए नॉट ए नॉट ए नॉट तो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. 13.86 है आंसर. हाँ उतना ही आंसर. हाँ सर ये जो टी हाफ का वैल्यू है वो 13.86 पर मिनट है, मतलब उतना मिनट है ना. मिनट यार उसमें जो उसने फार्मूला दिया है शॉर्टकट, क्या वैसा हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि यार उसने बता सीधा सीधा क्या लिखा है बस आंसर में. बड़ा अच्छा सा लिखा है उसने, सिर्फ आंसर में ऐसा लिखा है बड़ा अच्छा सा कि जो टी हाफ है बस वो लोन टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू हो जाता है. सो पैरेलल रिएक्शन के लिए होता है. पैरेलल रिएक्शन के लिए नहीं, देखो इस रिएक्शन के लिए तो आंसर ऐसे ही आ रहे हैं के वन प्लस के टू का वैल्यू पुट कर दे भाई 0.05. सर लेकिन ये वो जनरलाइज नहीं हो गया, ये तो एक स्पेशल केस है. हां सर नहीं नहीं मतलब ऐसा करके देख लेना एक बार, उसमें क्या करके देखें. सर जनरल के लिए ड्राइव किया था वो सिर्फ पैरेलल के लिए आ रहा. हां सर नहीं पैरेलल के लिए तो वो आता ही है. मतलब मैं ही बोल रहा हूं एक बार रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ड्राइव करके देख लें ऐसा जनरल केस. ये आंसर कर लेते हैं. चलो ये आंसर तो आ गया है, ये हो गया सबका बच्चों का 13.86. हां सर चलो एक बार देखते हैं करके ना. मतलब इसमें आना चाहिए. हाँ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो मतलब ऐसे रिएक्शन का स्पेसिफिक यार डाल है. हाँ तो एक काम करना ना K1:K2 मुझे जो फाइनली मिलेगा वो B का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और ये
ए नोट माइनस बी का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मिलेगा, ऐसे करके है ना, हम के वन के टू के टर्म्स में रहने थे ना, उसको क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ आ जाता मेरे पास के टू टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट शुड बी इक्वल टू के वन टाइम्स ऑफ ए नोट माइनस के वन टाइम्स ऑफ बी इक्विलिब्रियम। सर हाफ नहीं है बी इक्विलिब्रियम का? नहीं, पहले बी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपल सा आ गया K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ A नॉट है ना, और मुझे इसका आधा अमाउंट बनाना है। सो हाफ ऑफ B इक्विलिब्रियम बनाना है मुझे, तो ये आ जाता K1 एंड ट्वाइस ऑफ K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ A नॉट, इतना प्रोड्यूस करना है बेसिकली मुझे, है ना। तो जो हम लोग ये इंटीग्रेशन कर रहे थे जीरो से लेके, मुझे इंटीग्रेट करना है इसको K1 डिवाइडेड बाई 2K1 K2 टाइम्स ऑफ लेट्स से A नॉट, एंड ये सब मिला के कितना था भाई DB लोन लोन, हाँ DB ये था मेरे पास K1 टाइम्स ऑफ A नॉट एंड माइनस K1 K2 टाइम्स ऑफ B, एंड इट इज इंटीग्रेशन जीरो से लेके हाफ लाइफ टाइम एंड डी टी, यही था ऐसा। yes. इसको जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे तो एक तो मेरे पास यहाँ बाहर आ जा रहा था के वन एंड के टू, और यहाँ अंदर बन जाना था लोन ऑफ ये मॉडल आता है। So, अगर ये फार्मूला आ रहा है तो भाई अच्छा है, ऐसे नेक्स्ट टाइम से फार्मूला याद कर लेंगे बस, ये वाला है ना, ना ए नोट एंड ये आ गया मेरे पास के वन एंड के टू, और ये बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पुट कर दो कितना आ जाएगा के वन ए नोट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ के वन एंड के टू है ना, डिवाइडेड बाय के वन and divided by it is k1 a naught mod and it is equal to let's say t half, yahi hai sab kahani। ha sir andar mein half aa jayega to andar ye half bach ja raha hai bas, ha wo ln2 hai half bach ja raha hai, aur bhai aisa yaad rakh sakte ho jo parallel wala reaction tha ye reversible wale ke liye waisa hi formula ban jata hai na, irrespective of k1 k2 ka value yaad rakhunga, next time aisa kuch karne ki zarurat nahi padegi fir, hai na। और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे भी, ये लिख के हो गया सब समझ लिया। हाँ क्या बच्चों ये समझ लिया तुम लोगों ने? हाँ यस। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसमें, नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है सपोज कुछ पैरेलल रिएक्शन की बातें ही कर लेते हैं, शायद उन्होंने किया होगा। क्या क्वेश्चन है? अगर कोई एक रिएक्शन ऐसा है ए कन्वर्टिंग टू बी, ए कन्वर्टिंग टू सी, यहां जो रेट कांस्टेंट है के वन एंड के टू गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी of K1 and K2 are, you know, E1 and E2 respectively. Then find out activation energy correspond to overall rate constant. ये किया है तुम लोगों ने क्वेश्चन? चलो किया है तो करो तुम लोग, है ना। ए कन्वर्टिंग टू बी, ए कन्वर्टिंग टू सी, दोनों रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट्स के वैल्यूज गिवन है के वन एंड के टू, और दोनों रेट कांस्टेंट के कोरस्पोंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है E1 एंड E2। अब मुझे एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है कोरस्पोंड टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट,
मतलब मैं थोड़ा हिंट के लिए ये बता दूं कि ये जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट के वन प्लस के टू होगा, है ना? ओवरऑल ओवरऑल रेट कांस्टेंट इसके लिए के वन प्लस के टू होगा। तुम लोग को ओवरऑल एक्टिव एनर्जी बताना है कोरस्पोंड टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट। यस आदित्य भंसाली तुम्हारा आंसर सही है। शुयश तुम्हारा आंसर भी सही है। नमन शेट्टी नहीं बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है। अच्छा क्या फर्दे को हम लोग ऐसा बोल सकते थे हर एक के लिए हम लोग अरहीनियस इक्वेशन यूज कर लें हर एक के लिए, तो ये हो जाता ए वन
माइनस ई वन बाई आर टी और ऐसा ही ये हो जाता माइनस ई टू बाई आर टी और ऑब्वियसली अब मुझे जो रिलेट करना था मुझे जो रिलेट करना है बेटा वो कुछ एक्सपोनेंशियल के पावर में है ना। इसका एक आसान सा मेथड यही होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वन बाई टी। अगर हम लोग वन बाई टी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ई वाई आर एंड माइनस ई वाई आर टी। ये आ जाता लेट्स से माइनस ई वन वाई आर एंड ए वन माइनस ई वन वाई आर टी और ये आ जाता लेट्स से माइनस ई टू वाई आर एंड माइनस लेट्स से ई टू वाई आर टी। कुछ ऐसा ही आएगा इसमें, इसमें से माइनस 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 कैंसिल्ड आउट हो गया, आर आर एंड आर भी कैंसिल्ड आउट हो जाता और यहां से ये बन जाता ई वन ये समन एंड के शुड बी इक्वल टू ई वन के वन प्लस ये बन जाता ई टू के टू। और फर्दर यहां से जो ई का वैल्यू है कि आ जाता ई वन के वन प्लस ई टू के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू। तो इस टाइप का भी कुछ फार्मूला तुम लोग याद रख सकते हैं, है ना। हाँ क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस आई होप ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया था पहले, है ना। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से फोर फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए सपोज for any reaction suppose कुछ ऐसा given है कि ln of k equal to let's say alpha minus beta by t then find out its activation energy at you know 27 degree Celsius। एकदम ही आसान, ये A part है तो suppose question का, B part भी दूंगा आपको। यहाँ alpha minus beta by T है, obviously T यहाँ temperature in terms of Kelvin है। You have to find out activation energy at 27 degree Celsius। यहां मुझे इसका एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है एट 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ भैया ये तो आसान लग रहा है, बीटा के टर्म्स में आंसर आ जाएगा इसका, आर बीटा। हाँ सर आर बीटा, आर बीटा। यहाँ से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लेट्स से बीटा आर मिल जाए तो ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, लोन के इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा वाई टी प्लस लेट्स से गामा लॉन टी है। अगर यहां लॉन के का वैल्यू अल्फा माइनस बीटा वाई टी प्लस गामा लॉन टी है लेट्स से, यहां तुम लोग मुझे आंसर बता सकते हो?
थियोडा ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है सर, बीटा आर माइनस टी गामा लॉन्ग टी के गामा सर ई ए पूछा है ना, हाँ ई ए पूछा है उसको, मतलब तुम्हें आंसर अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में ही आएगा। हाँ सर, तो बीटा आर माइनस गामा टी एल एन टी, गामा टी एल एन टी मतलब कैसे किया है पहले ये तो बताओ मुझे। सर वही मतलब कंपेयर ही किया इक्वेशंस को, पहले तो किसके साथ कंपेयर किया, कौन सी इक्वेशन के साथ, माइनस ए बाय आर किसे कंपेयर। अच्छा क्या इसमें ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि हाँ एक्टिवेशन एनर्जी शायद टेम्परेचर डिपेंडेंट रहने वाला है। हाँ सर, इसलिए तो टी के फॉर्म में आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट है ऐसा करके ना। अर्हीनियस इक्वेशन का ये कुछ ओरिजिनल फॉर्म तुम लोगों ने पढ़ा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लोन के इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। हाँ सर, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट अगर हम लोग करें अज्यूमिंग एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तब वो इक्वेशन बनता है जो हम लोग पढ़ते हैं ना। बट वो इक्वेशन तभी है जब वो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो अगर डिपेंडेंट है तो मैं ये वाला इक्वेशन हमेशा ही यूज कर सकता हूं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लोन के शुड बी इक्वल टू जीरो प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एंड प्लस गामा बाय टी आ जाएगा। क्या फर्दर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये बीटा प्लस गामा टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। yes. और अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बन जाएगा बीटा प्लस गामा टी टाइम्स ऑफ आर टी स्क्वायर होता है इसमें, जो अर्हीनियस इक्वेशन है इट इज आर टी स्क्वायर, तो ही तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वन बाई टी वाला टर्म बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती थी, तो जैसे इसमें इसका आंसर आ सकता था बीटा प्लस 300 गामा टाइम्स ऑफ आर, 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग पुट कर दें जो 300 केल्विन है। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। लिख के भी हो गया है? दो मिनट। डन। ओके। कई बार कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ये शायद तुम लोगों ने आईटी जेई का ये क्वेश्चन शायद किया हो, यार किया है तुम लोगों ने कि भाई यू नो अगर मैं के वर्सेस टी का ग्राफ देखूं, सर ने बताया के वर्सेस टी का ग्राफ टेम्परेचर इन केल्विन, के वर्सेस टी का ग्राफ ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एंड ऐसा ही ये डी ऑप्शन। आईटीजेई एडवांस का क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा 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 या ऐसा, इट इज हाउ रेट कांस्टेंट के वेरीज विद टेम्परेचर।
how rate constant K varies with temperature. तुमने को बुकलेट में भी था ये विंडो टू आईटी जेई में क्वेश्चन. हाँ सर. It is how rate constant K varies with temperature. Dhruv, Ladda, tu to shaitan hai bachche. Hai? Bahut sare bachche mujhe same answer kyun bata rahe hain? Kya maine kuch galat kiya? रेट कॉन्स्टेंट हाउ वेरीज विद टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कॉन्स्टेंट बढ़ता है भाई. डी ऑप्शन तो आंसर ही नहीं होना चाहिए बेटा. टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कॉन्स्टेंट बढ़ता है. समझा दी सर. जल्दी देखो तो कुछ कुछ बच्चे मुझे सही आंसर भी बता रहे हैं भाई. पता जब ये क्वेश्चन आया आईटीजेई में कहने के लिए के का जो वैल्यू है वो ये होता है ना. माइनस बहुत ज्यादा होगा तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो भी आ जाएगा. माइनस एक्टिवेशन बाय आरटी है ना. तो जब ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया है ना तो उन्होंने बोला कि आईटीजेई ने गलत क्वेश्चन बनाया है और कल हल्ला मचाएंगे मीडिया में जाएंगे है ना. छापती यार कहीं था. नहीं नहीं ये था 2010 11 12 के आसपास कहीं होगा है ना. तुम लोग के मॉड्यूल में है तुम का क्वेश्चन बट हम लोग का कि एक बार गूगल करके देख लिया जाए है ना. हाँ सर. तो उसमें आंसर सी ही था है ना. तो सी कैसे हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली इफ एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट है ना. बोला इक्वेशन ही तब एप्लीकेबल है जब एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो बट एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो रेट कॉन्स्टेंट बढ़ता ही जाना चाहिए. वो कहीं सैचुरेट नहीं हो पाया ना. वो कहीं सैचुरेट होगा ही नहीं है ना. और सी ऑप्शन उसका आंसर था एटी में है ना. अच्छा मतलब आईटी में थोड़ा और कैच था. आईटी ने ये ऑप्शन था ही नहीं है ना. तो ये ऑप्शन नहीं था आईटी में है ना. सैचुरेट करने वाला तो और ऐसा मन होगा हल्ला करने का. हाँ वही की वही ये तो गलत आ गया है ना. सी ऑप्शन आंसर था बेटा उसका ऐसा करके ना. ये तुम लोग के देखो कौन से ईयर में भी था ये क्वेश्चन. मैं स्क्रीन पे शेयर करके मॉड्यूल बताता हूँ देखो कहाँ है. काइनेटिक्स कौन से मॉड्यूल में था तुम लोग को. मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 6 मॉड्यूल 5 6 में था नहीं मॉड्यूल 4 में था. मॉड्यूल 5 में था ये काइनेटिक्स. मॉड्यूल 5 स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूं. ये है तो हम ही चेक कर लेते हैं आप पहले. हां सर सामने रखा हुआ है. हां जरा चेक करो देखो कौन से ईयर में आया. बस मुझे ईयर का नाम बताओ. सर जो भी न्यूज़ 17 से स्कूल खुलने की आरटीवी से बात की आपने. ये 2000 कब का बेटा क्वेश्चन. 2010 हां 2010 का ना मुझे थोड़ा याद था उस इसी टाइम का कुछ क्वेश्चन है. 2010 के आसपास का. देखो मैं स्क्रीन पे तुम्हें शेयर करके भी दिखा देता हूं चाहता है ना.
और उसमें वाला ऑप्शन भी नहीं था ना जिस ऑप्शन की मैं बातें कर रहा था, है ना, शैतान लोग थे आईटी वाले। इवन बुकलेट में शायद देखो ये वाला क्वेश्चन भी था जो मैं तुम लोगों को करा रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी हाउ इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सर आगे हो तो शायद वो वाला भी था कि बी इक्विवेलेंट हाफ टाइम पे बनता है। हाँ ये हाँ, वाला जो क्वेश्चन है देखो इसमें है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। हाँ सर वैसा ही टाइप डाउट भी था अभी सॉल्व हो। इसमें वही वाला फार्मूला यूज करेगा तुम्हें कि उसको जो डिफरेंशिएट कर लेना लोन के को और इसको इक्वेट कर लो ई एक्टिवेशन वाई आर टी स्क्वायर से, फिर कंपेयर कर ले, है ना, उसका आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है। और ये जो जेई में क्वेश्चन आया था वो होगा हम लोग के पास विंडो टू जेई में, ये देखो ये क्वेश्चन था, है ना, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है वो। हाँ वही तो वो ऑप्शन ही नहीं था ऐसे करके, है ना। तो हम लोग वही अल्लाह में चाह रहे थे कि उसमें करेक्ट आंसर ही नहीं है 2010 में। और मेरे तो साथ फिर वो वाला ऑप्शन कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब डिक्रीजिंग या स्ट्रेट लाइन दिख रहा था उसमें। अरे तो बड़ा ये था ना कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा, गलत है ऑप्शन, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या है इक्वेशन तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं होगा। अच्छा मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे ना अब 2000 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो मैंने गलत कर दिया था, बता तुम्हें काइनेटिक्स का आसान क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ किस टाइप का, है ना। इसमें तो थोड़ा फिर भी क्लियर लिखा हुआ है जैसा क्वेश्चन नंबर 16। सही तो बहुत आसान है। अबे मैंने ये भी गलती कर दिया था अपने एक्चुअल एग्जाम में, पता क्यों? क्योंकि मैं ये कंफ्यूज था कि यार ये के और ये के सेम तो नहीं है। तो अरे केल्विन वाला है और एक केल्विन वाला है। अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, है ना। हाँ सब एग्जाम में दिमाग कुछ एग्जाम में कुछ भी होता रहता है और उस टाइम में जेई सब्जेक्टिव होता था तो कुछ भी हो जाता था, है ना। तो मैं वो आसान क्वेश्चन भी गलत करके आ गया था भाई, है ना। तो थोड़ा सा ख्याल रखना तुम लोग ये सब चीजों का, है ना। बाकी सब काइनेटिक्स आसान सा ही है ना। वो शीट पूरा कर लेना बेटा जो मैं तुम लोग को एक वो दिया था स्पेशल असाइनमेंट, तो वो तो एग्जाम में पहले ही कर लिया। हाँ सर वो कर लिया क्योंकि उसका एक क्वेश्चन मैंने आज ही कराया है, वो जो वो वाली रिएक्शंस वाला क्वेश्चन था जो आज मैंने कराया है, पैरेलल रिएक्शन वाला जो K1 K2 वाला कराया है, उसी में था क्वेश्चन। तुम लोगों ने देखा नहीं, देखो उस क्वेश्चन को सर याद नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने उसका सॉल्यूशन भी कुछ वैसा ही दिया हुआ था, अभी दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर मैं इस क्वेश्चन की बातें कर रहा था, ये देखो यही तो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39। हाँ सर हाँ और देखो उसको सॉल्यूशन में उसने वैसे ही किया हुआ था, इधर बस एकदम ही फार्मूला अप्लाई कर लिया उसने 39th के लिए लोन 2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, है ना। हाँ सर देख लेना, एटलीस्ट के सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस तो कर लेना तुम लोग, ना नहीं किया है तो ये लास्ट वाला जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं ये सब, है ना। यस सब अच्छे अच्छे से क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, है ना। 35 है पैसेस 24 सब्जेक्टिव करने मना करते हैं, सब्जेक्टिव करने के लिए मना करते हैं। मतलब मना नहीं करते, वो कहते हैं कि जब मैं रिवीजन कराऊंगा तभी करूंगा, पहले ऑब्जेक्टिव पर होगा ये बोलते हैं। हां सर वो तो लास्ट में करेंगे। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव करना चाहिए उसके बाद सब्जेक्टिव, टाइम हम तो बहुत बोलते सर करने नहीं देते, हम लोग डाउट मतलब
एक दो बार करने बोले तो सर ने मना ही कर दिया था। सर हमारे में डाउट भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं बोलते हैं कि मतलब एंड डाउट डिस्कस करते हैं अगर कुछ आता है तो, बट वैसे मना करते करने को। हां वो तुम्हारे वैसे मना करते हैं ना, एक बार वो बोलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव तो करो, है ना। सो वो कह रहे थे कि जब मैं रिवीजन करूंगा सारे टॉपिक्स का तब वो बच्चा है, तब वो कर। हां हां बहुत टाइम दोनों के पास, बट यू नो कुछ बच्चे तो जिनके पास जल्दी से मैनेज कर लेते हैं उनको सब कुछ करना चाहिए अभी हाल फिलहाल, है ना। सारे बच्चे नहीं भी कर पाते हैं यार, ऑब्जेक्टिव भी नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे तो सारे पूरे। हर बैच में अच्छे अच्छे बच्चे हैं, है ना। ठीक है तो हम लोग नॉर्मल नेक्स्ट, शायद फिर मैं नेक्स्ट वाला लेक्चर सियाराम सर को दे दूंगा, वो कुछ ऑर्गेनिक का रिविजन करा देंगे जब तक। शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा उधर हो जाएगा काफी कुछ, फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला करा दूंगा, है ना। बात तो की है तो फिर से वही कहानी आएगी, कलेक्ट्रेट सबसे आएगा की बाकी और कुछ भी नहीं खुल रहा, ऐसा लिखा था पता नहीं क्यों। लेकिन दिक्कत है अगर स्कूल खोल देंगे तो फिर एग्जाम में ऑफलाइन करेंगे। देखो मतलब मुझे जो सिचुएशन समझ में आ रही है ना, वो ऐसा हो सकता है कि यू नो अभी से अगर कोशिश करना स्टार्ट करते हैं स्कूल 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 का, तो समझ लो कि गणपति वैकेशन के बाद फिजिबल है सब कुछ, है ना। अगर यू नो केसेस नहीं बढ़े तो ऐसे करके। सर लेकिन गणपति में थर्ड वेव आ सकता है, गणपति में तो केस और बढ़ जाएंगे अब। इसलिए उन्होंने गणपति तक जैसे 15 से ट्रेन ओपन करने के लिए बोला है, ट्रेन ओपन होगा और बढ़ेंगे सर, अब तो और ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। कोई वो फर्स्ट डोज सेकंड डोज से पूछ ले रहा है, लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं सेकंड सर्ट उसका। सर मतलब स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकते ना ट्रैवल। हां हां बट यू नो बड़े लोग तो वो पीडीएफ को एडिट करने में कितना टाइम लगता है, मैं भी तो करता हूं। दूसरे पेज का नाम है 4-5 सेकंड बस उसमें लिखा हुआ ना कि एसेंशियल सर्विसेज। वो सब लोग आजकल बहुत सारे लोग तो ऐसी वो पीडीएफ को एडिट कर रहा है और उसके बेस पे वो बना रहे हैं पास और कुछ नहीं कर रहे। हाँ सर एक बार मुझे ट्रैवल करना था तो बना लिया है। हाँ वो लोग कर रहे हैं सब, जो लोग एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वो बोलता है कि भी लास्ट 72 आवर्स का बोल दो क्या। आरटीपीसीआर तो लोग उसमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट से उसको एडिट करके दिखा दे रहे हैं उसको, है ना। मतलब साइबर कैफे का खूब दुकान चल रहा है उसके सामने वाला, एयरपोर्ट के सामने वाला, है ना। ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, है ना। थैंक यू सर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय सर। थैंक यू सर बाय सर।